दोस्तों स्विचबोर्ड को टच किए बिना जैसे एयर कंडीशनर या टेलीविजन सेट को हम लोग एक ही रिमोट से कंट्रोल करते हैं, वैसे ही अपने घर का लाइट एंड फैन को अगर कंट्रोल वायरलेस तरीके से आप लोगों को करना है एक रिमोट के साथ, तो मेरे पास है एक वायरलेस डिवाइस जिसका टोटल इंस्टॉलेशन मैं दिखाने वाला हूँ एंड कैसे यूज़ करने से ये ख़राब हो सकता है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि इंस्टॉलेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। दोस्तों इंस्टॉलेशन से पहले डिवाइस को देख लेते हैं। तो ये है वायरलेस डिवाइस एंड इसके साथ हम लोगों को मिल जाता है एक रिमोट। ये हैवेल्स कंपनी का है। मैं बजट फ्रेंडली जो डिवाइस आता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिमोट का फंक्शन समझ लेते हैं। ये है ऑल ऑफ, जिसके साथ आप जानते हो लाइट एंड फैन दोनों ऑफ हो जाएगा। ऑल ऑन 1, 2, 3, 4 जो फैन का रेगुलेटर है आप जानते हो, एंड लाइट ऑन ऑफ एंड फैन ऑन ऑफ। अभी रिमोट को कर देते हैं हम लोग साइड। ये डिवाइस को मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इस डिवाइस का एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप फैन का जो मैनुअल रेगुलेटर जो स्विच बोर्ड में होता है वो यूज़ करके रेगुलेट करते हो तो ये डिवाइस ख़राब होने का चांसेस रहता है एंड फॉल्टी हो जाता है। तो मेन फॉल्टी जो होता है इसका जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है या फिर आईसी आप बोल सकते हो, ये बर्न हो जाता है या फिर कोई कोई केस में कोई कैपेसिटर या फिर जो रेजिस्टेंस है ये सब फॉल्टी हो सकता है। तो मेक श्योर जब आप ऐसे वायरलेस डिवाइस का यूज़ करो आपका फ़ैन का जो मैनुअल रेगुलेटर है उसे मैक्सिमम जो रेंज है, किसी किसी का नंबर 5 है किसी का 4 है, तो उस मैक्सिमम कंडीशन में हम लोगों को रखना है एंड देन हम लोग इस डिवाइस को इंस्टॉलेशन अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा फ़ैन तो दिखाना आप लोगों को पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो मेन फंक्शन है वो दिखा देता हूँ। आपके फ़ैन के साथ ऐसे जो 2 वायर लगा हुआ रहता है वो 2 वायर, मान लो ये आपका फ़ैन है, हम इसे साइड कर देते हैं। अब वायरलेस जो डिवाइस है इसके पीछे ही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, लाइन इन एंड न्यूट्रल। लाइन इन मतलब जो रेड है एंड जो ब्लैक है जो न्यूट्रल है। ये आप लोगों का जो मेंस कनेक्शन है जो स्विच बोर्ड से कनेक्शन आता है उन दोनों वायर के साथ ये अटैच होगा एंड यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट एसी करंट देना पड़ेगा। एंड ये जो हम लोगों का आउटपुट है आउटपुट को फ़ैन के साथ सेट करना पड़ेगा एंड इसका सेटिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉमन एंड फैन आउट। कॉमन का जो वायर है वो ब्राउन कलर का है, तो आप अपने हिसाब से, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अल्टरनेट करंट से चलता है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है। फॉर अगर आप डीसी में चला रहे हो देन ओनली ये कलर को मैच करना ज़रूरी होता है, लेकिन एसी करंट में आप कोई भी वायर के साथ दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्शन को यूज़ कर देते हैं स्विच बोर्ड के साथ एंड देन हम लोग यहाँ से रिमोट को कंट्रोल करके इसका फ़ैन का जो स्विच है उसे रेगुलेट कर सकते हैं। एंड अगर बहुत सारे डिवाइस ऐसा भी मिलता है जिसके साथ लाइट का भी कनेक्शन आता है, तो इन दैट केस जो ये कॉमन वायर है या फिर जो ब्राउन वायर है वो लाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे लाइट आउट बोल के एक आएगा और एक वायर आएगा जो कोई अलग कलर का होगा, उसे हम लोग लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये है हम लोगों का टोटल सेटअप। गाइस इंस्टॉलेशन का फाइनल पार्ट में आप देख सकते हो ये फैन का जो टॉप है उसके अंदर ये टोटल डिवाइस सेट हो जाता है, कुछ भी बाहर नहीं रहता है। आप चाहो तो रिमोट का जो पार्ट है जो वायरलेस है उसे आप बाहर कहीं पर भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों फैन को हम लोग फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले हम लोगों को रिमोट से कंट्रोल करना है, जो ऑल ऑन स्विच है इसे ऑन कर देना है एंड ये जो सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा। देन फैन ऑन का जो बटन है उसे हम लोग प्रेस कर देते हैं एंड ये चल पड़ा है। एंड इसे ऑफ करने के लिए हम लोग ये सेम बटन का यूज़ करेंगे एंड देन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा एंड हम लोग फिर से इसे ऑन कर देते हैं। एंड ऑन करने के बाद ही ये मैक्सिमम जो 4 है रेगुलेटर है उससे ये कंट्रोल होगा एंड इसे हम लोग 3 या फिर 2 या फिर 1 में हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं 3 जो बटन है उसे प्रेस कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। सो गाइज इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम लोग ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर एवरी बिलवेड पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूटोपियन डेज़।